Hello everyone, myself Subhita Chaudhary, Assistant Professor, Department of Geology, LBS Government College, Kotputli, Jaipur. पिछले वीडियो में अपन ने बात की थी बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इम्यूनोलॉजी, जिसमें हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी, सेलुलर एंड ह्यूमरल इम्यूनिटी एंड ऑर्गन्स ऑफ इम्यून सिस्टम. इसके कंटिन्यूएशन में ही आज अपन बात करेंगे एंटीजन्स, इम्यूनोजेनेसिटी एंड एंटीजेनेसिटी. सबसे पहले बात करते हैं एंटीजेंस के बारे में. डेफिनेशन ऑफ एंटीजेंस: सब्सटेंसेस कैपेबल ऑफ इंड्यूसिंग स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स आर कॉल्ड एंटीजेंस. कोई भी सब्सटेंस जो कि एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स को इंड्यूस करने में सक्षम हो वो क्या कहलाएंगे? एंटीजेंस. ऑल द सब्सटेंस दैट इंड्यूस अ स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स इज यूजुअली कॉल्ड एन एंटीजन. इट इज मोर एप्रोप्रिएटली कॉल्ड एन इम्यूनोजन. कोई भी सब्सटेंस जो एक स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स को इंड्यूस करने में कैपेबल होता है उसको हम जनरली एंटीजन कहते हैं. बट इसके लिए अप्रोप्रिएटली जो वर्ड है वो है इम्यूनोजन. जैसा कि आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं, ये एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर है और यहाँ पे जो ये स्ट्रक्चर वो है एंटीजन कहलाते हैं. एंटीबॉडी का ये वाला रीजन एंटीजन बाइंडिंग साइट है, मतलब यहाँ पे एंटीजन आके बाइंड करता है. जब भी अपन एंटीजन की बात करते हैं तो दो टर्म्स अपने सामने आती है, इम्यूनोजेनेसिटी एंड एंटीजेनेसिटी. बोथ आर द प्रॉपर्टीज ऑफ एंटीजन एंड रिलेटेड ऑल्सो, बट डिफरेंट हैं दोनों. तो देखते हैं वन बाय वन. इम्यूनोजेनेसिटी इज द एबिलिटी ऑफ ए मॉलिक्यूल टू इंड्यूस ए ह्यूमरल एंड और सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स. किसी भी मॉलिक्यूल की एक एबिलिटी जो या तो ह्यूमरल या सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स को इंड्यूस करने में सक्षम हो वो उसकी जो एबिलिटी वो क्या कहलाएगी? इम्यूनोजेनेसिटी. सपोज ये बी सेल हैं, अगर ये एंटीजन के साथ इंटरेक्ट करती हैं तो ये प्लाज्मा सेल और मेमोरी सेल्स में डिवाइड होती हैं. प्लाज्मा सेल्स फर्दर जाके एंटीबॉडीज का निर्माण करती हैं. तो जो एंटीबॉडी मीडिएटेड जो इम्यून रिस्पॉन्स है वो अपना कहलाता है ह्यूमरल. एंड टी सेल अगर एंटीजन के साथ इंटरेक्ट करती है तो सी टी एल एंड टी एफ सेल्स में डिवाइड होती हैं. सी टी एल का मतलब यह है साइटोटॉक्सिक लिम्फोसाइट्स एंड टी हेल्थ सेल्स में. तो कोई भी मॉलिक्यूल अगर इन दोनों तरह के रिस्पॉन्स को इंड्यूस करने में सक्षम होता है तो उसकी वो प्रॉपर्टी वो क्या कहलाएगी? इम्यूनोजेनेसिटी. दूसरी तरफ बात करते हैं एंटीजेनेसिटी की. एंटीजेनेसिटी इज द एबिलिटी ऑफ ए मॉलिक्यूल टू कंबाइन स्पेसिफिकली विद द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द प्रीवियस रिस्पॉन्स. कोई भी मॉलिक्यूल उसमें ये कैपेसिटी है कि वो बाइंडिंग शो कर सकता है किसके साथ? विद द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ प्रीवियस रिस्पॉन्स. प्रीवियस रिस्पॉन्स से मतलब होता है यहाँ पे ये रिस्पॉन्स, मतलब ह्यूमरल या सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स की अपन बात कर रहे हैं. इट मीन्स या तो बी सेल एक्टिवेट हुई या फिर टी सेल. बी सेल एक्टिवेट होकर प्लाज्मा सेल्स और मेमोरी सेल में कन्वर्ट हो, प्लाज्मा सेल्स फर्दर डिवाइड होकर क्या बना रही? एंटीबॉडीज. एंटीबॉडीज यहाँ पे इस रिस्पॉन्स का क्या है? फाइनल प्रोडक्ट है. तो कोई भी ये मॉलिक्यूल अगर इस रिस्पॉन्स के फाइनल प्रोडक्ट यानी एंटीबॉडी के साथ अगर बाइंडिंग कर सकता है इसकी एक जो प्रॉपर्टी है वो क्या कहलाएगी? एंटीजेनेसिटी. सपोज कोई एंटीजन है वो किसी पर्टिकुलर एंटीबॉडी के साथ बाइंडिंग शो करता है तो ये उसकी क्या जो प्रॉपर्टी वो कहलाती है? एंटीजेनेसिटी. यहाँ पे एक पर्टिकुलर टाइप का इम्यून रिस्पॉन्स एक्टिवेट होता है जबकि यहाँ पे कोई इम्यून रिस्पॉन्स एक्टिवेट नहीं होता जबकि एक रिएक्शन यहाँ पे हैपन होती है. दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन इम्यूनोजेनेसिटी एंड एंटीजेनेसिटी. इन दोनों टर्म्स का हम थोड़ा सा एग्जाम्पल समझने की कोशिश करते हैं. सपोज आप कोई भी कैरेक्टर एक्सवाइजेड हो सकते हैं यहाँ पे. यू वॉन्ट टू ईट पास्ता, यू गो टू योर मॉम एंड आस्क टू मेक पास्ता. आपने क्या किया? आप अपने मॉम के पास गए और मॉम को बोला कि मुझे पास्ता खाना है. सो आपकी मॉम ने आपके लिए पास्ता बनाया. आप यहाँ पे अगर अपने मॉम को पास्ता बनाने के लिए एक्टिवेट करते हो, इंड्यूस करते हो और आपकी मॉम आपको पास्ता बना देती है तो इट मीन्स आप यहाँ पे इम्यूनोजन का काम कर रहे हैं. इम्यूनोजन अपने पिछली स्लाइड में देखा था कि
वो कोई भी मॉलिक्यूल जो एक पर्टिकुलर इम्यून रिस्पॉन्स को एक्टिवेट करते हैं वो इम्यूनोजेनेसिटी शो करते हैं, और उन मॉलिक्यूल्स को अपन इम्यूनोजन कहते हैं। आपने यहाँ पे इम्यूनोजन का काम किया बिकॉज आपने अपने मॉम को एक्टिवेट किया, मतलब इम्यून रिस्पॉन्स को एक्टिवेट किया। और यहाँ पे जो फाइनल प्रोडक्ट आया, यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट क्या है, पास्ता। मीन पास्ता जो फाइनल प्रोडक्ट है वो क्या इंडिकेट करता है, यहाँ पे एंटीबॉडीज को। आप यहाँ पे इम्यून रिस्पॉन्स को भी एक्टिवेट कर रहे हो और आप यहाँ पे इस फाइनल प्रोडक्ट के साथ भी डील कर रहे हो। इट मीन आपने पास्ता बनाया तो ऑब्वियस सी बात आप खाओगे भी, मतलब आप इस स्टेप से भी लिंक्ड हैं और थर्ड स्टेप पे लिंक्ड है। ये जो प्रोसेस पूरी है वो इम्यूनोजेनेसिटी को शो करती है। दूसरी तरफ सपोज करें उसी टाइम आपका भाई भी वहाँ से गुजर रहा है, उसने देखा कि आपकी मॉम ने पास्ता बनाया है, वो क्या करेगा, ऑब्वियस सी बात है वो जाके पास्ता खा लेगा। लेकिन दोनों प्रोसेस में डिफरेंस यहाँ पे क्या है, आपने अपनी मॉम को इंड्यूस किया है, एक्टिवेट किया है ताकि वो पास्ता बनाए, लेकिन आपके भाई को वो मेहनत नहीं करनी पड़ी। जबकि आपका आपके भाई ने क्या किया, डायरेक्ट जो इस प्रोसेस का जो फाइनल प्रोडक्ट है उसके साथ इंटरेक्शन शो किया है, ये बाइंडिंग शो करी है। ये जो इधर वाला पार्ट है ये उसकी प्रॉपर्टीज है, वो कहलाएगी एंटीजेनेसिटी। आया डिफरेंस समझ में, यहाँ पे एक पर्टिकुलर टाइप का इम्यून रिस्पॉन्स एक्टिवेट हो रहा है जबकि इस प्रोसेस में कोई भी इम्यून रिस्पॉन्स एक्टिवेट नहीं हो रहा, जबकि इस इम्यून रिस्पॉन्स का जो फाइनल प्रोडक्ट है उसके साथ ये मॉलिक्यूल जाके बाइंडिंग शो करती है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। सो ये एक लाइन है उसकी बहुत इम्पोर्टेंट है, ऑल द इम्यूनोजेंस आर एंटीजेंस बट ऑल द एंटीजेंस आर नॉट इम्यूनोजेनिक। मीन्स ऑल द इम्यूनोजेंस आर एंटीजेंस, मतलब आप इम्यूनोजन तो है ही हैं, आप यहाँ पे इस फाइनल प्रोडक्ट के साथ भी इंटरलिंक्ड हैं। सो ये इम्यूनोजेंस हैं वो ये वाली प्रॉपर्टी तो शो कर ही रहे हैं। सो ऑल द इम्यूनोजेंस आर एंटीजेंस बट ऑल द एंटीजेंस आर नॉट इम्यूनोजेंस, क्योंकि इम्यूनोजन की एक प्रॉपर्टी है कि वो एक पर्टिकुलर टाइप का इम्यून रिस्पॉन्स एक्टिवेट करते हैं, जबकि ये जो एंटीजेंस हैं वो कोई पर्टिकुलर टाइप का इम्यून रिस्पॉन्स एक्टिवेट नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर तो ये जो भी इम्यूनोजेंस हैं वो सारे एंटीजन हो सकते हैं, लेकिन सारे एंटीजन में वो सारे इम्यूनोजन नहीं हो सकते। ये आप लाइन बहुत इम्पोर्टेंट है, जो भी पढ़ा है वो सारा इस एक लाइन में छुपा हुआ है। अपन देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एंटीजन, कंसिस्ट ऑफ 4 to 5 एमिनो एसिड रेसिड्यू और मोनोसैकेराइड रेसिड्यू। स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एंटीजेनिसिटी जिसको अपन एंटीजेनिक डिटरमिनेंट भी कहते हैं, एपिटोप। एपिटोप वो पार्ट है जो किसी एंटीबॉडी के साथ जाके बाइंड करता है और स्पेसिफिसिटी शो करता है। पॉजिटिव स्पेसिफिक केमिकल स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड स्पेशल कॉन्फिग्रेशन, कैपेबल ऑफ सेंसिटाइजिंग ऑफ एन इम्यूनोसाइट्स, पैराटॉप एरिया ऑन एंटीबॉडी मॉलिक्यूल ऑन विच एपिटोप बाइंड्स। एंटीबॉडी का वो पोर्शन जहाँ पे एपिटोप आके बाइंड करता है वो क्या कहलाता है, पैराटॉप। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं ये एंटीबॉडी है और ये एंटीजन। एंटीजन का वो पार्ट जो एंटीबॉडी के साथ रिएक्शन अटैच होता है या बाइंडिंग शो करता है वो क्या है, एपिटोप। और एंटीबॉडी का वो पोर्शन जो एंटीजन के साथ बाइंडिंग करता है वो कहलाता है, पैराटॉप। फंक्शन ऑफ एंटीजन, मेन फंक्शन का इम्यूनोजेनेसिटी मीन्स इंडक्शन ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स, इम्यूनोलॉजिकल रिएक्टिविटी, स्पेसिफिक रिएक्शन विद एंटीबॉडीज और सेंसिटाइज सेल्स। बेस्ड ऑन दिस फंक्शन एंटीजन इज क्लासिफाइड एज कंप्लीट एंटीजन एंड पार्शियल एंटीजन। दो टाइप के एंटीजन यहाँ पे बताए गए हैं। कंप्लीट एंटीजन को कहते हैं जो एंटीबॉडी फॉर्मेशन को इंड्यूस करते हैं एंड स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट करते हैं, जबकि पार्शियल एंटीजेंस जिनको अपन हैप्टेंस भी कहते हैं, स्पेसिफिक नॉन प्रोटीन्स होते हैं, सब्सटेंस इनकेपेबल ऑफ इंड्यूसिंग एंटीबॉडी फॉर्मेशन इटसेल्फ बट एलिशिएट इम्यून रिस्पॉन्स व्हेन कपल्ड विद कैरियर प्रोटीन। ये जो हैप्टेंस होते हैं स्पेसिफिक नॉन प्रोटीन सब्सटेंस होते हैं जो कि अकेले एंटीबॉडी फॉर्मेशन को इंड्यूस नहीं कर सकते हैं, लेकिन
अगर उन्हें किसी ज़्यादा मोलिकुलर वेट के प्रोटीन के साथ अटैच कर दिया जाए तो वो इम्यून रिस्पॉन्स को इंड्यूस करने में सक्षम होते हैं। ये हेप्टेंस जो होते हैं, दो टाइप के हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स हेप्टेंस और सिंपल हेप्टेंस। कॉम्प्लेक्स हेप्टेंस जो होते हैं वो पॉलीवेलेंट होते हैं, मतलब दो से ज़्यादा एंटीबॉडी बाइंडिंग कंबाइनिंग साइट रखते हैं, जबकि सिंपल जो हेप्टेंस होते हैं वो सिर्फ यूनिवेलेंट, मतलब एक ही एंटीबॉडी बाइंड कर सकते हैं। बायोलॉजिकल क्लासेस ऑफ एंटीजन्स, डिपेंडिंग ऑन द एबिलिटी टू प्रोड्यूस एंटीबॉडी, एंटीजन्स आर क्लासिफाइड टी सेल डिपेंडेंट एंड टी सेल इंडिपेंडेंट। वो एंटीजन जिनको एंटीबॉडी प्रोडक्शन के लिए टी सेल्स की जरूरत पड़ती है वो कहलाते हैं टी सेल डिपेंडेंट, और वो एंटीजन जिनको एंटीबॉडी फॉर्मेशन के लिए टी सेल्स की हेल्प नहीं चाहिए वो कहलाते हैं टी सेल इंडिपेंडेंट एंटीजन। ऑल्दो एंटीजन इज एंटीबॉडी इज प्रोड्यूस्ड बाई बी लिम्फोसाइट बट इट रिक्वायर्स कोऑपरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट। तो अपने यहाँ बात करें कि टी सेल डिपेंडेंट और टी सेल इंडिपेंडेंट क्यों बात करते हैं, क्योंकि एंटीबॉडीज तो बी सेल बनाता है, लेकिन अपन सब जानते हैं कि बी लिम्फोसाइट भले ही एंटीबॉडी बनाता है लेकिन इसको एंटीबॉडी बनाने के लिए टी सेल की जरूरत पड़ती है। इसलिए जिन एंटीजन्स को एंटीबॉडी बनाने के लिए टी सेल की जरूरत पड़ती है वो क्या कहलाएंगे, टी सेल डिपेंडेंट। वेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ एंटीजन्स दैट इन्फ्लुएंस देयर इम्यूनोजेनेसिटी, ये कुछ कैरेक्टर्स हैं जो एक एंटीजन को बेहतर इम्यूनोजन बनाते हैं। जैसे फॉरेननेस, मतलब जो अगर कोई दो डिफरेंट स्पीसीज हैं अगर उनके मॉलिक्यूल्स की अगर बात करें तो वो एक दूसरी स्पीसीज में अगर इंड्यूस कराया जाता है तो जितनी ज़्यादा उनमें फॉरेननेस होगी, मतलब उनके जो स्पीसीज हैं जितनी डाइवर्सिटी शो करेंगे उतना ही वो मॉलिक्यूल फॉरेननेस उतना ही ज़्यादा बेटर इम्यूनोजन होगा। अगर अपन बात करें कि एक कुत्ते और एक चूहे की अगर बात करें तो ये दो डिफरेंट स्पीसीज होगी, अगर इन दोनों के कोई भी सेल या कोई भी टिश्यू अगर अपने एक दूसरे की बॉडी में इंजेक्ट कराते हैं तो बेटर इम्यूनोजन साबित होंगे, बजाय कि एक स्पीसीज के दो एनिमल्स में अगर ये प्रोसेस अपन शो करें तो। हाई मॉलिक्यूलर वेट एंड कॉम्प्लेक्सिटी, प्रोटीन्स ऑफ 100 किलो डाल्टन और मोर आर पोटेंट इम्यूनोजन वाइल 5 किलो डाल्टन और लेस आर यूजुअली प्योर इम्यूनोजन। सक्सेसिबिलिटी टू प्रोसेसिंग एंड प्रेजेंटेशन, इफ ए मैक्रोमोलिक्यूल कैन नॉट बी इंजेस्टेड प्रोसेस एंड प्रेजेंटेड बाई एपीजे इट इज ए पुअर इम्यूनोजन। ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स के बारे में अपन आगे बात करेंगे। केमिकल नेचर, प्रोटीन्स एंड पॉलीसेक्राइड मैक पोटेंट इम्यूनोजन। पिछले स्लाइड में अपन ने एक हेप्टेंस का जिक्र किया था, थोड़ा डिटेल में देखते हैं हेप्टेंस क्या होते हैं। हेप्टेंस आर लॉ मॉलिकुलर वेट मॉलिक्यूल्स। सबसे पहली बात, लॉ मॉलिकुलर वेट मॉलिक्यूल्स होते हैं स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल दैट आर एंटीजेनिक। एंटीजेनिक मतलब फाइनल प्रीवियस रिस्पॉन्स, मतलब बी सेल टी सेल के जो भी फाइनल प्रोडक्ट है उनके साथ बाइंडिंग तो शो करते हैं लेकिन इम्यूनोजेनिक नहीं है, मतलब कोई इम्यून रिस्पॉन्स एक्टिवेट नहीं कर पाते हैं अकेले। Which means that they can bind to immune cells but fail to induce humoral or cell-mediated immune response. Hence, no antibodies are raised against them. ये हैप्टेंस पे कुछ एक एक्सपेरिमेंट किए थे कार्ल लैंडस्ट्रीमर ने। उन्होंने देखा किसी हैप्टेन मॉलिक्यूल को अगर किसी माइस में अपन इंजेक्ट कराते हैं तो उसके एंटी सीरम की अगर अपन जांच करते हैं तो अपने को किसी भी तरह की कोई भी एंटीबॉडीज नहीं मिलते हैं, क्योंकि अपन यही कहता है कि हेप्टेंस जो होते हैं लो मॉलिक्यूलर वेट के मॉलिक्यूल्स होते हैं जो अकेले एंटीबॉडी रेज करने में असफल होते हैं। ये कैरियर प्रोटीन है, इनको अपने माइस में इंजेक्ट कराया तो इनके एंटी सीरम में अपने को एंटीबॉडीज मिली क्योंकि इनका मॉलिक्यूलर वेट इनसे कई गुना ज़्यादा है। फिर अपने क्या किया, ये जो हेप्टेंस थे इनको अपने इन कैरियर प्रोटीन के साथ अटैच करा दिया और फिर माइस के अंदर इंजेक्ट कराया। फिर अपने इसके एंटी सीरम की जब जांच की तो अपने देखा कि अपने को तीन तरह की एंटीबॉडीज देखने को मिली, एंटीबॉडीज टू हेप्टेंस, एंटीबॉडीज टू कैरियर एंड एंटीबॉडीज टू कॉन्जुगेट ऑफ हेप्टेन एंड कैरियर्स। ये तीन तरह की एंटीबॉडीज मिली, लेकिन जब अपने क्वांटिटी की बात करी
जब अकेले अपन हेप्टेन को डालते हैं तो अपने को किसी भी तरह की एंटीबॉडी नहीं मिली। प्रोटीन कैरियर को डाला तो MPBS मतलब ये जो प्रोटीन कैरियर है इसके अगेंस्ट में अपने को एंटीबॉडी मिली। और जब अपने हेप्टेन कैरियर कॉन्जुगेट को डाला, मतलब हेप्टेन कॉन्जुगेट कैरियर ये है, इसको जब इंजेक्ट कराया माइस में तो अपने को तीन तरह के एंटीबॉडीज मिली। NTDNP मतलब अपना हेप्टेन, NTBSA मतलब अपनी कैरियर प्रोटीन, एंड NTDNP और BSA मतलब कॉन्जुगेट। तो NTDNP मतलब जो हेप्टेन था उसके अगेंस्ट में जो अपने को एंटीबॉडी मिली वो सबसे ज़्यादा थी क्वान्टिटी में, जबकि जो कैरियर प्रोटीन है और कॉन्जुगेट के अगेंस्ट में जो मिली वो कम थी। एग्जाम्पल्स ऑफ हेप्टेंस की बात करें, सम इम्पोर्टेंट हेप्टेंस आर डाइनाइट्रोफिनोल, एमिनोबेंजीन, ऑर्थो एमिनोबेंजोइक एसिड, मेटा एमिनोबेंजोइक एसिड एंड पैरा एमिनोबेंजोइक एसिड। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं हेप्टेंस के। मैनी बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंट सब्सटेंस विच कैन फंक्शन एज हेप्टेंस आर ड्रग्स भी हो सकते हैं, जैसे पेनिसिलिन, पेप्टाइड हॉर्मोन्स एंड स्टेरॉयड हॉर्मोन्स। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं हेप्टेंस के। तो अपन बात करें कि हेप्टेंस का रियल लाइफ में क्या यूज है। अपन ने अभी जो लास्ट स्लाइड में देखा कि हेप्टेंस को किसी कॉन्जुगेट प्रोटीन के साथ अटैच करा के उनके अगेंस्ट में अपन किसी भी पर्टिकुलर हेप्टेन के अगेंस्ट में अपन एंटीबॉडी रेज कर सकते हैं, लेकिन ये कई बार हार्मफुल भी हो सकते हैं, तो ये इसका ड्रॉबैक भी है। लेकिन इम्यूनोलॉजिस्ट का एक फेवरेट टूल भी है ये। इट कैन बी यूज एज डायग्नोस्टिक टूल एंड एंजाइम मल्टीप्लाइज इम्यूनोलॉजी टेक्निक। इसमें हेप्टेंस बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, जैसे आपने देखा होगा प्रेगनेंसी किट में हेप्टेंस का बहुत बड़ा रोल है। HCG जो हार्मोन है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन जो है, उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडीज रेज कर ली जाती हैं और वो उन एंटीबॉडीज को जो प्रेगनेंसी किट है उसमें अटैच कर दी जाती हैं। जब यूरिन की ड्रॉप उस पर डालते हैं, अगर यूरिन में HCG होता है तो उसके साथ बाइंडिंग करके अपने को एक लाइन शो होती है जो प्रेगनेंसी टेस्ट को कंफर्म करती है, तो वहाँ पे इसका बहुत बड़ा रोल है। इस वजह से हेप्टेंस और भी बहुत जगह यूज किए जाते हैं। सो ये था अपना आज का टॉपिक। थैंक यू सो मच।